हम प्लाजो पेंट की बहुत आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 2 मीटर फैब्रिक चाहिए। ये हमारा ओपन साइड है, तो सबसे पहले हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा बेल्ट होगा। तो 2 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर हम निशान को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ है हमारी 37 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो हमारी लेंथ हुई 38 इंच। हम 38 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसको हम जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे हिप्स की मेजरमेंट। तो हमारी हिप्स का नाप है 38 इंच, उसको हम 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग। तो 10.5 इंच हमारा हिप्स का नाप होगा और हमारा आसन का 11.5 इंच। उसके बाद हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और शेप दे देंगे। उसके बाद हम आसन को मापेंगे तो वो होगा 12 इंच पर, उसको हम हाफ कर लेंगे तो आएगा 6 इंच। तो हम हमारे बॉटम पर 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 3 3 इंच पर दोनों साइड पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को हम ऊपर की साइड इस तरह से शेप देकर मिला लेंगे। उसके बाद हम हमारा फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और उसके बाद हमें 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर हम इस ऐसी लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। उसके बाद हम ऊपर की तरफ से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और हमारा जो आगे की साइड है वो उसी को अटैच कर लेंगे इस तरह से शेप देकर। उसके बाद हम बैक पार्ट के लूजिंग के लिए 2 2 इंच पर इस तरह से मार्जिन रख लेंगे। तो इस तरह से हम 2 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों पार्ट की उल्टी साइड पर स्टिचिंग लगा लेंगे आसन की ऊपर। तो आसन के ऊपर हम पहले स्टिचिंग लगा लेंगे। उसके बाद हम दोनों पार्ट को इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम बॉटम पे 4 इंच पर निशान लगा लेंगे, जो हम ओपन रखेंगे। उसको छोड़ के हम पूरी साइड पर सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा बाहर का भाग है उसको हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम जो ओपन साइड रखी है उस पे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे।
दोनों पार्ट को हम इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट पर आते हैं, तो बेल्ट पर हम इस तरह से फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे बेल्ट पर हम इसी तरह से ही सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ से 2 इंच पर गेप रखकर सिलाई नहीं लगाएंगे और हम हमारी नाप के हिसाब से 28 इंच का रबर ले लेंगे। तो उसको हम इस तरह से पिन की मदद से हम बेल्ट में डाल लेंगे। उसके बाद हमें दोनों को इस तरह से मिलाकर उस पर सिलाई लगा लेंगे। और जो हमारी ओपन साइड है उस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से अच्छे से बीच में सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी तरह से आ सके। उसके बाद हम बॉटम को इस तरह से फोल्ड कर कर उस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही तरफ हम इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम बीच में से इस तरह से अटैच करके इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा प्लाजो पेंट की फिनिशिंग अच्छी आ जाएंगी। उसके बाद हम वहाँ पर बटन लगा लेंगे जो कि हमारा प्लाजो पेंट अच्छे से रेडी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।